अच्छे संस्कारों से बच्चों का जीवन फूल की तरह खिलने और महकने लगता है। बचपन में बच्चों को जो संस्कार मिल जाते हैं वो जिंदगी भर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसीलिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने विद्यार्थी शिविरों के जरिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का दैवी कार्य शुरू किया। गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में सैकड़ों शिविरें लगाई जाती हैं और लाखों बच्चे इन विद्यार्थी शिविरों का फायदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद आश्रम में 12 से 14 अप्रैल को नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी के पर्वमय दिनों में यहां विद्यार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें साध्वी रेखा बहन और रामा भाई ने शिविर में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आइए देखते हैं शिविर के कुछ झलके। अंधकार रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन सदगुरु एक ही होता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो स्वयं जीवन मुक्त है और उनके साथ में जो आएगा वो भी जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। सब सेट होते हुए भी माइंड सबका अपसेट है, तो इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन की सच्ची शुरुआत होती है कि जीवन में सच्चे सदगुरु आए। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, तो बगलों की तरह एकाग्रता हो, और स्वान निद्रा, फालतू का देखने फालतू का बोलना, जरूर जल्दी जल्दी थक जाते हो, एनर्जी लॉस हो गई, फिर वो एनर्जी आएगी कहाँ से? अगर आपको अपनी एनर्जी बचा के रखना है कम से कम बोलो, कम से कम देखो। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमको मेडिटेशन से, तो मेडिटेशन करना चाहिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जब मैकालन पद्धति हमारे विदेशियों से भारत देश में आई तो उन्होंने सोचा इस हिंदुओं को, इन भारत देश सनातन धर्म को कैसे खोखला किया जाए। उन्होंने सबसे पहला दाव फेंका, षड्यंत्र किया कि जिसकी बुद्धि ही कमजोर होगी, जिसका आरोग्य ही कमजोर होगा, जिसका निर्णय शक्ति कमजोर होगा, वो अपने आप जीवन में ठुस हो जाएगा। 7 दिन में जो रविवार होता है वो सूर्य भगवान का वार होता है, इसलिए इस वार का नाम क्या है? रविवार। भगवान सूर्य जो हैं वो बुद्धि के दाता हैं, भगवान सूर्य जो हैं वो आरोग्य के दाता हैं, भगवान सूर्य जो हैं वो ज्ञान के दाता हैं, ब्रह्म ज्ञान के दाता हैं। तो मैकालन पद्धति ने निर्णय लिया कि इनकी छुट्टी का दिन कोई और नहीं रखा जाए, पर इनकी छुट्टी का दिन रखा जाए रविवार। ये 6 दिन के थके हुए होंगे तो 7वें दिन ये उठेंगे ही देर से, उठेंगे देर से तो नहाएंगे भी देर से, नहाएंगे देर से तो ये सूर्य को जल चढ़ाएंगे भी नहीं, सूर्य को जल नहीं चढ़ाएंगे, नहाएंगे नहीं, पड़े रहेंगे आलस में, उस दिन खाएंगे पिएंगे, छुट्टी मनाएंगे। तो रविवार तो बुद्धि का दिन है, वही इनका दिन मरोड़ डालो तो इनकी बुद्धि खुद ही खत्म हो जाएगी, जयराम जी की। इसीलिए मैकालन पद्धति के द्वारा रविवार के दिन छुट्टी घोषित की गई। Oh,
अरे ये क्या है? हे भगवान, इस मोबाइल ने तो खाना भी मुश्किल कर दिया है। अच्युतम केशवम कृष्ण नामो नरम राम नारायण हम जाने की। गुरु के लिए जो प्रेम है वो आने वाले समय में सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। शबरी, तुम धन्य हो, तुम्हारा यह मनुष्य जन्म धन्य है। हाय डैड। हाय अंकल। रवि, हमने तुम्हें यही संस्कार सिखाए हैं, बड़े आए हैं उनके पैर छुओ। उफ डैड, क्या पैर छूना प्रणाम करना सब ओल्ड फैशन है। ग्रो अप डैड, ग्रो अप, आप आजकल का फैशन तो हाय हेलो का है। हरियाणा और एनसीआर के इलाकों से आए इन बच्चों ने शिविर का खूब आनंद लिया और पूज्य बापूजी से जल्द ही सारस्वती मंत्र दीक्षा मिले ऐसी इच्छा भी व्यक्त की। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने अभी तक बापूजी से दीक्षा नहीं ली है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं ताकि हम सभी छात्र छात्राएँ उनसे दीक्षा ले सकें। हम जब घर पर रहते हैं छुट्टियों में तो हमारे जो छुट्टियां हैं ऐसी खेल कूद में व्यर्थ निकल जाती हैं, लेकिन शिविर में आते हैं तो शिविर में हमें आने का बहुत फ़ायदा है। जब ध्यान करते हैं कि बापूजी हमारे साथ बैठे हैं, खेलते हैं, तो भी लगता है हर चीज़ में ऐसे लगता है बापूजी बसे हुए हैं। शिविर के अंदर हमें सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद कर दर्शन करना, फिर शशांक प्राणायाम करना। मैं घर पर ब्राह्मणी प्राणायाम करने की सही विधि नहीं जानता था, यहाँ के मुझे ये भी पता लगा। और मैं घर पर माला करने में थोड़ा काम चोर था और यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों के द्वारा मेरे को ये पता लगा कि माला करने से बच्चों के अंक भी अच्छे आते हैं। मैं यहाँ एक नियम लेता हूँ कि मैं माता पिता का आदर करूँगा, घर पर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगासन इत्यादि करूँगा। मेरा नाम अभिषेक बंसल है। मैं गुरु जी का शिष्य नहीं हूँ पर मेरे को यहाँ पर आना अच्छा लगता है। इस 3 दिन के सर्वांगीण शिविर में मुझे
मुझे आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं यहाँ नहीं आता था और पिछले 3 बार से मैं यहाँ पे शिविर में आ रहा हूँ, जिसके यहाँ पे आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। हरी ओम, मेरा नाम अशफाक है। मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा है। हमने यहाँ पे योगा, खेल कूद सीखे और बड़ों का सम्मान करना सीखा। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी दीक्षा नहीं ली है। मैं ऐसी आई हूँ प्रस्ताव मुझे देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा होता है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आती थी, ये मैं पहली बार आई हूँ। अप्रैल, मई और जून के महीनों में देश भर के सभी आश्रमों में इन शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप भी अपने बच्चों को सशक्त, संयमी और स्वस्थ बनाने के लिए नजदीकी आश्रम में संपर्क करके वहाँ पर होने वाले विद्यार्थी शिविरों का लाभ अपने बच्चों को अवश्य दिलाएं।